गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज द एपिकल डोमिनेंसी। एपिकल डोमिनेंसी है क्या, इसको देखें एक बार। सपोज दैट अपने पास ये कोई प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी में ये इस टाइप से इसकी मेन ब्रांच जो है वो थी, इसके ऊपर लीफ जो है वो अरेंज थी इस टाइप से, ये इसकी मेन ब्रांच थी। ये कह रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ये जो इसका एपिकल पार्ट है, इस एपिकल पार्ट में जो ऑक्सिन सिंथेसिस हो रहा है, ड्यू टू दिस एपिकल ऑक्सिन, एपिकल पार्ट और एपिकल पार्ट में कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ऑक्सिन जो है उसका सिंथेसिस हो रहा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सिन लेटरल बड्स, लेटरल बर्ड्स डज नॉट ओरिजिन इन दिस प्लांट। अब देखें, ड्यू टू द ऑक्सिन लेटरल बर्ड का ओरिजिन नहीं हो रहा इस प्लांट में, मींस ऑक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है, इसमें एपिकल पार्ट जो है उसको डोमिनेंट करवा रहा है, यानी एपिकल पार्ट डोमिनेंट है, इस वजह से लेटरल पार्ट जो है, लेटरल बड्स जो है उनका डेवलपमेंट इसमें नहीं हो रहा। तो ये इसका इफेक्ट है, एपिकल डोमिनेंसी का इफेक्ट या डोमिनेंस का इफेक्ट। इसी डोमिनेंस के इफेक्ट को कम करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली ग्राम और हिना, यानी जो मेहंदी का प्लांट है, ग्राम एंड हिना, ग्राम होता है बेटा चना और हिना यानी मेहंदी का जो प्लांट है, उनके अंदर क्या करते हैं, डीकैपेटिंग करते हैं। डीकैपेटिंग मतलब उनके एपिकल पार्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर दें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड्स। लेटरल बड्स के डेवलपमेंट में, ताकि जो प्लांट है वो कैसा हो जाए, बुशी हो जाए, झाड़ी लाइक हो जाए और उसके अंदर प्रोडक्टिविटी हाई हो। तो ये एपिकल डोमिनेंसी का इफेक्ट था। सेकंड जो इफेक्ट है ऑक्सिन का, वो है ऑन सेल इलोंगेशन, ऑन सेल इलोंगेशन मेन इफेक्ट यही है ऑक्सिन का, कि ऑक्सिन क्या करता है कि जो इलोंगेशन जोन होता है एपिकल या रूट का या फिर स्टेम पार्ट का, उस इलोंगेशन जोन के अंदर सेल को क्या करवाता है, सेल लेंथ इंक्रीज करवाएगा। सेल की लेंथ को क्या करवा रहा है, इंक्रीज करवा रहा है। इस वजह से जो सेल इलोंगेट होगी, उस वजह से ही प्लांट में क्या होगी, ग्रोथ आप लोगों को मिलने वाली है। उसके अलावा ऑक्सिन जो है वो जनरली क्या करता है, रूट इनिशिएशन का काम भी कर रहा है। रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन एट लो कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन पे तो रूट इनिशिएशन करेगा, बट एट हाई कंसेंट्रेशन इट इनहिबिट रूटिंग, रूट फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कर देगा, इनहिबिट करवा देगा। किसके अंदर भाई, ये आप लोगों के जो रूट एरिया है, उस रूट एरिया के, सॉरी, रूट की फॉर्मेशन करवाएगा लो कंसेंट्रेशन पे, बट हाई कंसेंट्रेशन में ये क्या करेगा, रूट्स की फॉर्मेशन को इनिबिट कर देगा। एंड एडवांटेजियस रूट्स जो है, रूट फॉर्मेशन करवाएगा, लो कंसेंट्रेशन पे करेगा, हाई कंसेंट्रेशन पे ऐसा इफेक्ट है नहीं डालने वाला। इसके अलावा इसका इफेक्ट जो ऑक्सिन का है वो ऑन पार्थेनो कार्पी। पार्थेनो कार्पी होता क्या है पहले तो देखें। नॉर्मली सीड्स फॉर्मेशन फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, सॉरी, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट को प्रमोट करेगा ये। नॉर्मली ओवरी गेट कन्वर्टेड इंटू
फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी जो प्लांट्स की ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी वाला पार्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके किसमें, फ्रूट के अंदर, और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि दीज फ्रूट आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी को प्रमोट कर रहा है कौन, ऑक्सिन। इट मींस ये क्या करेगा, सीडलेस फ्रूट्स फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन की प्रोसेस को। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चलेंगे। सीडलेस फ्रूट के कुछ एग्जांपल है, आप लोग लेमन की बात कर सकते हैं, कुकुम्बर की बात कर सकते हैं, एप्पल की बात कर सकते हैं, टोमेटोज की बात कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चल लें। नेक्स्ट इफेक्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ लॉगिंग। देखो क्या होता है कि सम प्लांट, वीट वगैरह प्लांट जो होते हैं उनका लोअर पार्ट जो होता है, लोअर पार्ट ऑफ स्टेम जो है वो वीक होता है, और वीक होने की वजह से क्या होता है कि जल्दी सी ऐसी क्रॉप जो है वो आपके वीक होने की वजह से क्रॉप जो है वो गिर जाती है, या यूं मान लें कि फॉल डाउन हो जाती है। तो आप लोग जैसे ही आप इसके ऊपर यंग प्लांट्स पे आप स्प्रे करते हैं ऑफ ऑक्सिन, देन इट प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम लॉगिंग, यानी गिरने से बचाने का काम भी करने वाला है। इसके अलावा इसका इफेक्ट जो है वो डोरमेंसी पे इफेक्ट है, डोरमेंसी सीड डोरमेंसी पे। देखो बेटा सीड डोरमेंसी क्या होता है कि जो सीड होते हैं उनमें जर्मिनेशन की पावर जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, यानी जो सीड जो है उनको स्टोर करने के लिए, यही मान लें कि सीड जो है वो जल्दी से जर्मिनेट नहीं होते, या अपने यूं मान लें कि जो वेजिटेटिव फेज है उस वेजिटेटिव फेज को, वेजिटेटिव प्रोपागुल्स की जो डेवलपमेंट है उसको लॉन्ग टाइम तक क्या कर देंगे, इनएक्टिव फॉर्म में रख लेते हैं और जल्दी से जर्मिनेट नहीं होते, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सीड डोरमेंसी। और ऑक्सिन क्या करता है, सीड डोरमेंसी को इनक्रीज करवाएगा, क्या करवाएगा बेटा, इंक्रीज करवाने का काम करेगा। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपागुल्स होते हैं उनको ही भी क्या करेगा, जो ऑक्सिन है वो प्रिवेंट कराएगा, मींस यहाँ भी उनके अंदर भी क्या करवाएगा, ये एसिड डोरमेंसी को इंक्रीज करने का काम करेगा। इसके अलावा ऑक्सिन जो है वो थिनिंग ऑफ फ्लावर भी कराता है, थिनिंग ऑफ फ्लावर्स। देखो सम प्लांट जैसे मैंगो वगैरह के अंदर क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो एक साथ लग जाते हैं, इस वजह से ड्यू टू मोर फ्लावर ऑन ए ब्रांच साइज ऑफ फ्रूट विल बी स्मॉल, एक ही ब्रांच पे ज़्यादा फ्लावर लगेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा
कि जो फ्रूट का साइज है वो स्मॉल होगा, बट आप ऑक्सिन स्प्रे करते हैं तो ये क्या करता है, उनमें थिनिंग करवा देता है, मतलब उनको थोड़ा सा दूर दूर करवा देता है, सेपरेट करवा देता है, थिनिंग की प्रोसेस करवा देगा, थिनिंग इन फ्रूट्स या फ्लावर्स। लाइकवाइज एग्जांपल ले सकते हो मैंगो, मैंगो के अंदर ऐसा करवाता है। इसके अलावा इसका इफेक्ट जो है वो एब्सिसिन भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। एब्सिसिन पे इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑन एब्सिसिन। देखो एब्सिसिन लास्ट ईयर अपने डिस्कशन किया था कि प्लांट का कोई भी पार्ट है, लाइकवाइज ये प्लांट है, इसकी ये ब्रांच सॉरी लीफ थी, इस लीफ का ये जो एरिया है, इस एरिया की सेल जो है वो जनरली डेड होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाए बेटा, डेड हो जाए, और सेल जैसे ही डेड होगी तो ये जो लीफ है वो फॉल हो जाएगी। लीफ फॉलिंग तो उनको प्रिवेंट करने का काम करेगा कौन भी, ऑक्सिन यानी एब्सिसिन की जो प्रोसेस है उसको इनिबिट करने का काम करता है। इफेक्ट ऑन एब्सिसिन, एब्सिसिन लेयर को ये कम करवाएगा, मींस फ्रूट एंड फ्लावर्स जो होते हैं उनको भी गिरने से बचाने का काम करता है। इट प्रिवेंट फॉलिंग डाउन इमैच्योर फ्रूट एंड फ्लावर्स, यानी रोकता है उनको गिरने से, रोकने का काम भी करेगा। इसके अलावा इस ऑक्सिन का इफेक्ट है ऑन वीड्स। वीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वीड्स ये इनके ऊपर इफेक्ट है कि ऑक्सिन जो है जैसे 2,4-D जो है, 2,4-D जो है उसको एज ए वीडिसाइड यूज करते हैं। और वियतनाम वार उस वियतनाम वार में भी इस 2,4-D को एज ए वीडिसाइड यूज किया गया था। जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं क्रॉप्स के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी आप किसको यूज कर सकते हैं, आप ऑक्सिन हार्मोन को यूज कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो है शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड को शॉर्ट करवाने का काम करेगा। अपने को पता है कि ये नोड पार्ट थे, स्टेम पार्ट के अंदर ब्रांच के अंदर बात करें ये नोड्स थे, और ये जो रीजन था इस रीजन को आप बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनोड। और ये क्या करवाता है, आपके जो ऑक्सिन हार्मोन है वो इंटरनोड को शॉर्ट करवाता है। रीजन है इसका कि सम प्लांट जैसे आप लोग बात करें इसकी पियर की या एप्पल की, पियर या एप्पल की बात करें आप लोग, तो पियर और एप्पल के अंदर क्या होता है, इन पियर एंड एप्पल फ्रूट्स जो है, और वी कैन से फ्लावर्स जो है उनका डेवलपमेंट जो है ऑन शॉर्ट ब्रांचेस। तो शॉर्ट ब्रांच करने का काम कौन करेगा, आपको इंटरनोड की लेंथ को डिक्रीज करके कौन करवाएगा, आपका ऑक्सिन हार्मोन जो है वो शॉर्टनिंग करवा देगा, यानी उनके अंदर भी फ्लावरिंग को प्रमोट कराएगा। इसके अलावा इस ऑक्सिन का जो इफेक्ट है वो टिश्यू कल्चर के अंदर इफेक्ट भी है। टिश्यू कल्चर जो है उस टिश्यू कल्चर में भी इसका यूज है। ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन जो है उनका कॉम्बिनेशन जो है वो रूटिंग एंड शूटिंग करवाता है इन कैलस। देखिए बेटा कैलस क्या होता है, ये प्लांट के अंदर टिश्यू कल्चर के अंदर अनडिफ्रेंशिएटेड अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स होता है,
इन अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स को आप जनरली बोल रहे हैं कैलस, और जब आप लोग उस मीडियम के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर ऑक्सिन या साइटोकाइनिन का एक फिक्स रेशो डाल देते हैं, ये अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ जो टिश्यू था, ग्रुप ऑफ सेल्स था, यानी जो कैलस था, उसके अंदर रूटिंग एंड शूटिंग हो जाएगी, रूट फॉर्मेशन और शूट फॉर्मेशन की प्रोसेस हो जाएगी, मीन्स उसके अंदर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अपने ऑक्सिन जो हार्मोन था उसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट थे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे नेक्स्ट जो ग्रोथ रेगुलेटर है उसका डिस्कशन करेंगे।